हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और अभी मैं आपको बता दूं कि आज है 18 नवंबर और कल है 19 नवंबर और कल के दिन आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वाराणसी में हो रहा है काशी तमिल संगम का आयोजन। और काशी तमिल संगम एक महीने तक चलने वाला यह कार्यक्रम है और काशी तमिल संगम का उद्देश्य है वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यता संबंधों के सदियों पुराने संबंध को फिर से खोजना है और संस्कृति का आदान प्रदान करना भी है। और जो आप ये एरिया देख रहे हैं ये है लंका क्षेत्र, और सामने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा की गई है, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे पूरी व्यवस्था टाइट कर दी गई है। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये है पूरा लंका क्षेत्र, और सामने से जो गेट देख रहे हैं ये है बेचू गेट, और इसी के अंदर है MP थिएटर और वहीं पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और सामने जो स्टेचू देख रहे हैं ये है मदन मोहन मालवीय जी का, और इसी से सीधे अगर आप जाते हैं तो आप सीधे पहुंच जाएंगे गोदौलिया की तरफ। और ये जो मेन मार्केट आप देख रहे हैं ये है लंका, तो यहाँ पे देख सकते हैं तमाम बोर्डें लगी हुई हैं यहाँ पे वनक्कम काशी 17 नवंबर से लेके 16 दिसंबर 2022 तक। ये पूरा कार्यक्रम जो है वो एक महीना तक चलने वाला है। और काशी तमिल संगम भारत के इतिहास में हिंदी एवं तमिल भाषी लोगों के मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए एक सबसे बड़ा महोत्सव भी है। तो आज की आप व्यवस्था देख सकते हैं, कल तो और भी भीड़ होगा यहाँ पे। 2024 आम चुनाव को लेकर जहाँ एक और कांग्रेस के राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी दक्षिण को अपनी प्राथमिकता में रखा हुआ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई यात्रा तो शुरू नहीं की है, बल्कि तमिल भाषियों को उत्तर भारत से मिलाने का प्लान तैयार किया है। इसी वजह से इन्होंने ये एक मास्टर प्लान भी तैयार किया है, काशी तमिल संगम। और इस प्रोग्राम का जो थीम है वो है एक भारत और श्रेष्ठ भारत, तो इसी थीम पर काशी को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। और इस मौके पर उत्तर दक्षिण की संस्कृति, परंपरा, खान पान और शैलियों का संगम भी होगा। तो यहाँ पे आप व्यवस्था देख सकते हैं, पूरी फोर्स लगी हुई है और कल की पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। बेचू के MP थिएटर ग्राउंड में तमिलनाडु से जुड़ी खान पान, क्राफ्ट, वहाँ के छोटे उद्योग धंधों से जुड़े उत्पाद, कला संस्कृति से जुड़े स्टॉल भी लगाए जाएंगे। और इस पूरे परिक्षेत्र में काशी के लोग आकर तमिलनाडु के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इस पूरे एक माह के दौरान यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे जो कि आमजनों के लिए भी होगा। और अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस कार्यक्रम के लिए काशी को ही क्यों चुना गया, तो काशी के चयन की एक वजह काशी और तमिलनाडु की सांस्कृतिक समानता जो है वो बहुत ही मैच करती है, और साथ ही सनातन संस्कृति के पुनः जागरण के लिए क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का काशी से सांसद होना भी है। और मोदी के कारण काशी विकास का मॉडल बन चुकी है, और इसमें अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों का मॉडल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस वजह से मोदी और योगी के हिंदुत्व के विकास और विरासत के मॉडल से दक्षिण में भाजपा की संभावना जुड़ी जा रही है। और राजनीति तौर पे बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की जो संभावना है वो बहुत ही कम है और उस पर ग्रहण छाया हुआ है। इसी वजह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दक्षिण से ही की है और लगभग 2.5 महीने से दक्षिण राज्यों में ही हैं। ऐसे में भाजपा के लिए दक्षिण में संभावना जुटाना अनिवार्य हो जाता है, और भाजपा को लगता है कि दक्षिण में न सिर्फ संभावना को साकार रूप मिल सकता है बल्कि कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी की जा सकती है। तो शायद यही वजह है काशी तमिल संगम का। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।